ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये चिकन हांडी बनके तैयार है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुवर्णाज रेसिपीज़। आज हम मिट्टी के बर्तन में चिकन हांडी बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया डिलीशियस बनती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो करके इसका पानी पूरा निकल के इसे छलनी पर रख दिया है। सूखे मसालों में मैंने 2 टुकड़े स्टारफुल के, 3-4 लौंग, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 1 मसाला इलायची, 3 से 4 दालचीनी, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर और 2 चम्मच तिल लिया है। इसे हमें सूखा रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पैन में डाल दिया है और इसे हमें करीबन 2 मिनट के लिए सूखा भून लेना है। गैस बिल्कुल कम रखना है वरना ये मसाले जल जाएंगे। तो इसे मैं धीमी आंच पर हल्का सा भून रही हूँ। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, हल्की हल्की खुशबू आ रही है। तो मैं गैस बंद करके इसे ठंडा करके लेती हूँ और इसे हमें बारीक सा पीस लेना है। तो ये ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी के जार में निकाला है, इसकी पाउडर बनानी है। और इसी पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अब इस तेल में हम चिकन डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए पूरा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हमें हल्का सा भून लेना है। करीबन 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, हाई फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे। तो ये देखिए ये 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, ये हो गया है। अब गैस बंद करके इसे हम निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज इस तरह से काट लिए हैं और इसे भी हमें इस पैन में भून लेना है। इसमें से मैंने चिकन निकाला है, 1 चम्मच तेल डाल के इस प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। प्याज हमारे भून रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पे 1 टमाटर काट करके लिया है और 1 बड़ा चम्मच हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। तो इस प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और अब हम इन्हें 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, अब हमें गैस बंद करना है और इसे हल्का सा ठंडा करके लेना है। ठंडा करने के बाद ये जो हमने मसाला पीस लिया था इसी में प्याज और टमाटर दोनों निकालने हैं। तो ये देखिए ये प्याज टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे मिक्सी के जार में निकालेंगे। प्याज टमाटर मैंने मिक्सी के जार में निकाले हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसमें पानी डाल के बारीक इसकी पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट मैंने बना ली है। अब ये चिकन हांडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का मिट्टी का बर्तन लिया है और ये मेरे पास बहुत पुराना है और मैंने बहुत बार इसमें चिकन बनाया है और ये मिट्टी का ढक्कन भी है इसके साथ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इस हांडी में पहले हम 3 चम्मच तेल डालेंगे, तेज़पान डालेंगे और इसके बाद हम ये चिकन डालेंगे। भुना हुआ जो चिकन हमने रखा था वो डालना है। पूरा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, हल्दी 1 छोटी चम्मच और हमने जो मसाला पीस के लिया था गरम मसाला और प्याज टमाटर का वो पूरा मसाला अब हम इसमें डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है। मसालों में से अच्छे से तेल निकलना चाहिए तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। रेड चिली पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए इसे मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, इसमें से तेल छूट रहा है। तो अब हमें इसमें पानी डालना है। ध्यान रखिए पानी हमें गर्म करके ही डालना है। तो दूसरी साइड मैंने 2 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है।
पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो अब मैंने इसमें गरम किया हुआ पानी डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और गैस जो है हमें बिल्कुल धीमा कर देना है। धीमी गैस पर हमें इसे 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और बीच में एक दो बार इसका ढक्कन हटा करके हमें चेक करना है। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा करके इसे चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर से इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन करीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम ये चिकन चेक करेंगे। बीच में मैंने इसे एक दो बार खोल के चेक किया था। तो अब 30 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं चिकन को चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट ये चिकन हो गया है, ये अच्छे से पक गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो ये चिकन की करी हमारी बिल्कुल भी तैयार है। तो गैस बंद करके हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये चिकन हंडी आप किसी भी रोटी, नान या चपाती, पुलका, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार ये चिकन हंडी बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।